गाइस नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैच की T20 सीरीज चल रही है। तो अपने दोनों मैच में वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को आसानी से हरा दिया था और सीरीज दो किस्से पहले ही जीत लिया। अब दोनों के बीच थर्ड एंड लास्ट मैच होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सीरीज के थर्ड T20 मुकाबले की। यह मैच होगा 28 अगस्त को वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच होगा रात के 12:30 से स्टार्ट होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार दोपहर को और तरोवा में खूब बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की चांसेस हैं। शुरू से अंत तक मौसम हुमिड भरा रहेगा। रेन चांसेस 60%, ह्यूमिडिटी 90% रहेगी। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पिच एनालिसिस की बात करें तो अर्सनीदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर्स के लिए फेमस है। यह एक लो स्कोरिंग पिच है, यहाँ स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिलता है और यहाँ पे उन्हें भी ज़्यादा विकेट हेल्प नहीं है। और रिकॉर्ड भी देखा जाए तो पेसर को यहाँ ज़्यादा विकेट मिलते हैं। बैटर्स को स्टार्टिंग ओवर में संभल कर खेलना होगा। बात करें पिच रिपोर्ट की तो विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है यहाँ पे 82% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 18%। तो देखा जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 137 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 121। दोस्तों अब चलते हैं पेस वर्सेज स्पिन लास्ट 10 मैचों में। तो बात करें पेस की तो यहाँ पे 70 है, स्पिन 44 है। हेड टू हेड बात करें लास्ट 10 मैचों में तो WI का हुआ है 7, SA का हुआ है 3। वेस्ट इंडीज शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो 4 महीने में साउथ अफ्रीका को लगातार दूसरी सीरीज में वेस्ट इंडीज ने हरा दिया है। वेस्ट इंडीज ने अपनी ताकत सभी को दिखा दी है। टीम के एक तरफा मुकाबले में अफ्रीका टीम को और धूल चटा दी है। रोमन पोवेल टीम के कप्तान हैं ओपनिंग में और एलिक अथेनेजेन और साई होप टीम को जबरदस्त स्टार्ट दे रहे हैं। और एलिक ने 68 तो होप ने 92 रन बनाकर और अब तक बनाए हैं। नंबर 3 पर निकोलस पुरन है जो कि 2 मैच में 84 रन बनाए हैं। मिडिल ऑर्डर में रोमन पोवेल एंड रोस्टॉन चेस खेल रहे हैं। लोअर ऑर्डर में सरफेन रुथरफोर्ड और रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर्स हार्ड हिटर हैं और बॉलिंग में टीम 6 बॉलर्स के साथ उतरी हैं। और लास्ट गेम में हेर और रोमारियो शेफर्ड उन्होंने भी सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। और टीम ने 3 पेसर को 3 स्पिनर उतारे हैं और मैथ्यू फॉर्डे ने अब तक 4 विकेट लिए हैं और सेमर जोसेफ सीरीज में सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए हैं। अकील हुसैन टीम के मेन स्पिनर हैं और गुदाकीस मोती ने 1 विकेट उनको मिला था। वेस्ट इंडीज प्लेइंग 11 की बात करें तो एलिक अथानाजे, साई होप, निकोलस पुरन जो विकेट कीपर में, रोमन पोवेल जो कप्तान है, और रोस्टन सेचेज और सिरफेन रदरफोर्ड और हमारे शेफर्ड और मैथ्यू फोर्ड हैं। सेमर जोसेफ, अकील हुसैन और गुडाकीस मोती। की प्लेयर्स की बात करें तो निकोलस पुरन, रोमन पोवेल और मैथ्यू फोर्डी। साउथ अफ्रीका शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो अनएक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल रही है अफ्रीका टीम। दोनों मैच में हार गई है और सीरीज भी, तो टीम को यहाँ अभी गेम प्लान बदलना होगा यहाँ पे। और टीम के कप्तान एडन मार्करम है। तो ओपनिंग में रीजा हैंड्रिक्स और रयान और निकल्टन खेल रहे हैं। तो दोनों ने टीम को अच्छा स्टार्ट दिया था लेकिन नंबर 3 पर है कप्तान मार्करम ने भी 90 रन बनाए थे। और ट्रिस्टन सबस्टॉम ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा 102 रन बनाए हैं। और वेंडेडुसिन एंड डोनोवन फेरोडे ने जल्दी आउट हो गए थे। ऑल ऑर्डर में पैट्रिक क्रूगर हैं और बॉलिंग में टीम 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है। तो और क्वेना माफा का इंटरनेशनल लेवल पर इफेक्टिव नहीं रहे अब तक। और ऑटनील बैट और बैटमैन स्पिन की शुरुआती करेंगे और नेंडर बर्जर के यहाँ की जगह इसलैंड विलियम्स टीम में जगह मिलती थी। उन्होंने भी ज़्यादा 3 विकेट लिए हैं। और बेजरोन फॉरवर्ड लेफ्ट आर्म और अदर वॉक स्टॉक्स बॉलिंग करेंगे। पैट्रिक्स क्रूगर ने भी 2 विकेट लिए हैं। प्लेइंग आर्डर की बात करें तो एडन मार्करम जो कप्तान है, रीजा हैंड्रिक्स, रासी वेंडुसे, रियान और रिकेल्टर जो विकेट कीपर में, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फेरेडी, एट्रिक क्रूजर और बेजरोन फॉर्चून है और ओटनील बार्समैन है, क्वेना वफाका है, लिजार्ड विलियम्स है। की प्लेयर्स की बात करें तो ट्रिस्टन स्टब्स, एडन मार्करम और पैट्रिक क्रूजर हैं। ड्रीम इलेवन फेडरेसी टीम की बात करें जो कि विकेट कीपर में है, रयान विकेल्टन,
बैटर शामिल है रिजा हैंड्रिक, साई होप, निकोलस पुरान और ट्रिस्टन स्टंप्स हैं। बॉलर्स में शामिल है अकील हुसैन और टीनिन बैटमैन है। ऑलराउंडर में शामिल है रुस्टन चीज, रोमन पोवेल, रोमानी शेफर्ड, पैट्रिक क्रूगर। और बात करें गाइस प्रेडिक्शन की, तो दोनों गेम जीतने के बाद वेस्ट इंडीज इस मैच में बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकता है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है और प्लेयर्स कंडीशन को अच्छी तरह से जानते हैं। क्लीन स्वीप में और बचने के लिए दक्षिण अफ्रीका को कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम्स की स्क्वाड स्ट्रेंथ को देखते हुए साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, लेकिन होम कंडीशन को देखते हुए मैच का विनर वेस्ट इंडीज हो सकता है। तो गाइस ऐसा करती हूँ, आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े नई खबरों को जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।